वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि आमदन से जायद असासाजात सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब भी नैब के रडार पर आ गए। शेख जफर इकबाल के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, आगाह कीजिए। जी, नैब की जानिब से सरकारी जो अफसरान हैं उनके खिलाफ जो है तहकीकात का सिलसिला कार्य जारी है। इसके हवाले से नैब को एक दरख्वास्त मौसूल हुई थी जिसमें बताया गया था कि जो सेक्रेटरी एजुकेशन है शेख जफर, उनके पास जो आमदन की जो जायदाद है वो अरबों रुपए में, इस हवाले से असासाजात केस में जो है तहकीकात का आगाज किया गया। तो ये बात सामने आई कि 43 जायदादें जो है शेख जफर ने अपने नौकरी के दौरान बनाई हैं, जबकि 12 उन्हें तोहफे में मिली थी। उनकी जो मालियत है वो अरबों रुपए में है, जबकि बैरून मुल्क की जो उनकी जायदाद मौजूद है। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप्स और कुछ शादी हार्गुन के नाम पर है, जिस पर जो है तहकीकात का आगाज कर दिया गया। और इस हवाले से जाय का कहना यह कि मुतलका इदारों को भी लेटर लिखे गए जिसमें कहा गया कि शेख जफर के नाम जो जो जायदाद है उसका रिकॉर्ड भी फ्राहम किया जा सके। कहना यह जाय का कहना यह है कि चंद रोज तक जो है ये तमाम रिकॉर्ड हासिल होने के बाद तहकीकात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है राहिल सैयद, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।